अब हम जिस जगह जाने वाले हैं वो पूरा का पूरा जंगल है, और तो और यहाँ पर हर तरीके के जानवर हैं, और यहाँ हमें ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे जिसका नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा। वो पुणे के जंगलों के बीच में मंदिर बने हैं जहाँ हर तरीके के जानवर मिले। The next day. So guys, हम उठ चुके हैं सुबह जल्दी, मतलब मम्मी तो चली गई मंदिर, मैं बैठा हूँ सो रहा था, अभी सुबह उठा हूँ। मम्मी तो सुबह सुबह निकल गई, मम्मी बोल रहे थे चले जाइए, लेकिन भाई यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नेटवर्क का तो नाम निशान नहीं है, सिर्फ एक आता है जियो जो कि मोबाइल नहीं है, वोडाफोन और एयरटेल तो कहीं नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर। बस ये है कि नेटवर्क के नाम पर कुछ दिख जाएगा लेकिन फ़ोन नहीं आएंगे, एक दो डंडे दिख जाएंगे फ़ोन नहीं आएंगे। बाकी भाई जगह बहुत खूबसूरत है, बाकी मैं आज आपको दूसरा दिन आज मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ कि क्या है यहाँ पर और कितना खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। मतलब यहाँ पर आपको मोर में अभी यहाँ पर बाहर मेरे जो बैक साइड है पीछे की साइड यहाँ से जाके है वहाँ पर मुझे मोर की आवाज़ आ रही है, मतलब मोर के जो आवाज़ करते हैं वैसी आवाज़ आ रही है, और बहुत खूबसूरत जगह है। अब चारों तरफ जंगल है, बीच में मंदिर है, और कोई नहीं है, मतलब कोई घर वगैरह कोई बने हुए कुछ नहीं बना हुआ, एक नंबर जगह है, शांति, मौसम सब बढ़िया है। बाकी आपको मैं अगले मतलब अभी चलते हुए दिखाऊंगा कि क्या क्या है। तो ये कुछ मंदिर के एंट्रेंस थी, यहाँ से हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मंदिर के अंदर हमें सामने एक विशाल पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखने को मिली, और काफ़ी बड़ी मूर्ति थी ये। और अगर हम राइट साइड की साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमें इतनी सुंदर पद्मावती की मूर्ति देखने को मिली, पद्मावती माता की मूर्ति देखने को मिली, और बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे उस साइड भी कोने की साइड जाते चलते जाते हैं तो वहाँ भी हमें इतनी खूबसूरत पद्मावती माता की मूर्ति देखने को मिली जो शायद कोई और मंदिर में देखने को मिलती है, हमें यहाँ इतनी सुंदर मूर्ति देखने को मिली। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। ये जो मंदिर है ये महाराष्ट्र में है और ये पहाड़ों के एकदम बीच में मंदिर बना हुआ है, कुंतगिरी के पहाड़ के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, तो मिराज स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा, और मिराज स्टेशन से कुंतगिरी के मंदिर का 22 किलोमीटर तक का रास्ता है, और हाथ करंगले से आ रहे हो तो वहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से आपको ऑटो सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, बट ऑटो भी लिमिटेड आते हैं, फैसिलिटी आपको सारी मिल जाएगी, यहाँ तक आपको छूटी हो जाएंगे, सब फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको, आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो बाय रोड भी आ सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आपको 1800 किलोमीटर के करीब ये पड़ेगा। भाई यहाँ पर इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, शायद ही आपने खूबसूरत काफ़ी सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर ये भगवान की काफ़ी बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, ये काफ़ी सारे पर्वत बने हुए पर्वतों के ऊपर मूर्ति हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है अपने यहाँ। मंदिर के बीचों बीच ये शिखर बना हुआ है, और काफ़ी सुंदर ये शिखर है। इसके अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में जो महाराज जी हैं और जितनी भी माता जी हैं सबका आहार की व्यवस्था। Thank you.
पीछे बैक साइड में भी है, पूरा पीछे साइड में मंदिर है। यहाँ भी है, यहाँ का रास्ते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो कैलाशपुर बता रहे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा कैलाशपुर बता रहे हैं। काफ़ी सुंदर अपना रूप मैंने दिखा। भाई अभिषेक करके मतलब सब जगह का महाराज जी को आहार दे के अभिषेक करके, अभिषेक तो ऐसा पूरा करा नहीं है, अभी करेंगे, बहुत अच्छा अभिषेक होगा। अभी पूर्णिमा के दिन अभिषेक होता है माता का, और इतना ज़बरदस्त अभिषेक होता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बाकी अभी महाराज जी को आहार करके, खुद आहार करके अभी बस आके बैठा हूँ। अभी एक जगह डिसाइड करके मतलब एक नहीं पाँच जगह और जाएंगे हम, कल जाएंगे वो, तो थोड़ी सी थकावट हो गई है इधर उधर चक्कर काट के। बाकी अभी मैं आपको अभिषेक दिखाऊंगा, बहुत विशाल अभिषेक। हमारा जो अभिषेक था आपको मैंने जैसा दिखाया, बहुत अच्छा रहा भाई। अब दोबारा अभिषेक पे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अलग होने वाला है, ये भी बहुत अलग होने वाला है, थोड़ी धार्मिक होगी ब्लॉग, लेकिन काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो जगह है बहुत शांति वाली जगह है, और आपको अगर आप देखोगे दर्शन करोगे यहाँ के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगा, मैं कभी ऐसा आता नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। पहली बार मैंने तीन टाइम, तीसरा बार कर रहा हूँ, तीन टाइम मैंने अभिषेक किया, तो मैं आपको यहाँ का भी एक आखिरी अभिषेक जो किया जाएगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, बने रहना। भाई रात हो गई है, और ये देखो पूरा अंधेरा है, मंदिरों की लाइट जल रही है बस, यहाँ पूरा अंधेरा, और मैं अकेला जा रहा हूँ, दिख भी नहीं रहा, यहाँ पूरा जंगल है, यहाँ थोड़ी थोड़ी लाइटें जल रही हैं, ये पूरा जंगल है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ, ये देखो, ये रात का है पूरा, ये पार्क बना हुआ था वो है लेफ्ट साइड में, दिख नहीं रहा होगा, ये महाराज जी का वो नाम है। और यहाँ रात के अभी बज रहे हैं एक, और एक बजे मैं घूम रहा हूँ ऐसे। ये पाशना भगवान की टोक है, यहाँ से आम आए हैं, ये मंदिर है हमारा, और ये पूरा पहाड़।